बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। मैं हूँ समिया और आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल एंड कुकिंग, जिसमें मैं आपको सिखाती हूँ, टीच करती हूँ एजुकेशन एंड कुकिंग। आज मैं बहुत मज़े की चीज़ बना रही हूँ। आज मैं बच्चों के लिए पॉपकॉर्न बनाने जा रही थी, तो मैंने कहा आपके साथ भी पॉपकॉर्न की रेसिपी शेयर करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते, मैं आपको बताती हूँ। ये मैं 1 कप मैंने ये मकई के दाने लिए हैं, तो इसके साथ जो दूसरा हमने करना है मैं आपको साथ में बताती हूँ। ये एक देच का मैंने ले लिया है, यानी कि जैसे एक पैन, उसमें मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल का भर के डाले हैं और साथ में 1 टीस्पून नमक डाला है। तो आंच को मैंने फुल कर दिया है। हम देचके को पूरा अच्छे से हीट करेंगे, और जैसे ही ये हीट पकड़ेगा तो इसके बाद हम इसमें जो हमारे मकई के दाने हैं वो डाल देंगे। मैंने आंच इसके अंदर फुल की है। ये नमक हम इसको थोड़ा सा इस तरह कर लेंगे, और नीचे से बिल्कुल ही आँच फुल करके देचको को अच्छे से गर्म करेंगे, और इसको अंदर मकई के डाल के तो ऊपर से हम इसको ढांप देंगे। बहुत अच्छे और मज़े के नाइस वाले बनेंगे। ये बहुत मज़े के बनते हैं और बच्चे लोग तो बहुत पसंद करते हैं, और आप लोगों के भी फेवरेट होंगे और बहुत मज़े के लगते हैं ये। ये हमारे देख लें, अब अच्छे से देखें, जैसे हीट आ रही है तो अच्छे से हीट आना शुरू हो जाएगी। तो अब हम इसमें मकई के दाने डाल के तो ऊपर से इसको अच्छे से ढांप देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ा मैं लेती हूँ इसको, अभी हम थोड़ा सा मिक्स करते हैं। मैं इसके साथ थोड़ा सा इसको मिक्स कर देती हूँ। अब मिक्स करने के बाद इसको नीचे से बंद कर, ऊपर से आंच बंद कर देते हैं। ये फुल हीट है इसकी। बिस्मिल्लाह, ये देखिए, आप देख सकते हैं ये बनना शुरू हो गए हैं। और हम इसके अब इसको ऊपर से ढक्कन दे देते हैं। ये देखते हैं, मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ बचा के। देखिए नाइस वन बनना शुरू हो गया है। बस अब इसको हम बंद करते हैं, और जैसे ही ये बनेंगे तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा सा आपको ढक्कन हटा के दिखाने की। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, कैसे बन रहे हैं ये देखिए। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए कितने अच्छे बन गए हैं। बहुत मज़े के गर्मा गर्म खाते हैं हम। बहुत ही मज़े के बन गए हैं माशाल्लाह। ये इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होती है, और ये वैसे भी बच्चों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अगर घर में बनाया जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है, तो आप ज़रूर ये बच्चों के लिए बनाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें हमारी रेडी हो गई हैं। ये देखें फुल ऊपर देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए बहुत ही नाइस बन गए हैं ये देखिए। और ये अभी मैं खा रही हूँ, वाह बहुत ही मज़े के बने हैं, बहुत ही मज़े के। मैं अब आपको इसको प्लेट में सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखें व्यूवर्स, ये हमारे पॉपकॉर्न रेडी हैं गर्मा गर्म, अब हम खाएंगे। तो आप लोग भी ज़रूर इस तरह बनाइएगा बच्चों के लिए, और बच्चे क्या बड़े भी बहुत शौक से खाते हैं। आज तो मैंने ये नमकीन बनाए हैं, किसी दिन मैं आपके साथ गुड़ वाले और शुगर वाले भी इंशाल्लाह ताला शेयर करूंगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकॉन का बटन दबा लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे, बाद में रखे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।